दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजस्थान के जिला डीग में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से बीजेपी सरकार ड्राइवरों के खिलाफ काले कानून लेकर आई है, वही ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन रोजाना बढ़ता हुआ जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइवरों ने जगह जगह पर चक्का जाम किया था। 1 जनवरी से लेकर जैसे ही 2024 शुरू हुआ था, ड्राइवरों ने फौरन चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के बाद 3 दिन तक लगातार चक्का जाम रहा। वही ड्राइवरों का कहना यह है कि हमने बीजेपी सरकार से 29 मांगों को लेकर हम बीजेपी सरकार के पास जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी 29 मांगों में से एक मांग भी पूरी नहीं हुई है। जो मांगा था सरकार से वो सरकार ने हमें नहीं दिया है, और जो नहीं मांगा था सरकार ने उसको हमारे ऊपर लाकर थोप दिया है। इस तरह का कहना है ड्राइवरों का। और यहां तक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से ड्राइवर रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्राइवर कह रहे हैं, ड्राइवरों का कहना यह है कि जिस तरह से एक फौजी सरहद पर खड़ा होकर देश की हिफाजत करता है, इसी तरह से ड्राइवर भी गाड़ी चलाकर खाने पीने की चीजें, खाने पीने का सामान इधर से उधर पहुंचाता है, और ये भी एक देश का सिपाही है। जिस तरह से देश के सिपाही देश की हिफाजत करते हैं, इसी तरह से ड्राइवर भी देश के सिपाही की तरह देश की हिफाजत करता है। तो फिर सरकार क्यों, ड्राइवरों का कहना है कि फिर सरकार क्यों इस तरह से तरह तरह के काले कानून हमारे ऊपर थोपती रहती है। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजाना बढ़ता हुआ जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि क्या जिस तरह से ड्राइवर रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इससे विरोध प्रदर्शन से क्या लगता है कि बीजेपी सरकार अपने काले कानून वापस ले पाएगी या नहीं। खैर, ये तो